तो फाइनली इस चार्जर को मैंने खोल लिया है, जो कि काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो कि एक अच्छे चार्जर की निशानी है। क्योंकि जो चीप चाइनीज़ चार्जर होते हैं उन्हें खोलना काफ़ी आसान होता है, उन्हें बनाते वक्त उतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी खासी थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इसका सर्किट बोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसके ट्रांसफार्मर को देखेंगे, जो कि साइज़ में थोड़ा छोटा है क्योंकि ये सिर्फ 1 एम्पियर का चार्जर है। लेकिन किसी भी चार्जर में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होता है वो इसका ट्रांसफार्मर ही होता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो वायर होती है वो बहुत ज़्यादा पास होती है। तो प्राइमरी वायर और सेकेंडरी वायर के बीच जो इंसुलेशन होता है उसे काफ़ी अच्छा होना चाहिए सेफ्टी के एतबार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो स्टिकी टेप का इस्तेमाल किया गया है इंसुलेशन के लिए। तो इसे अच्छी तरीके से देखने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। हम इसे खोल के देख सकते हैं कि इसको जो प्राइमरी वायर और सेकेंडरी वायर है उसके बीच का जो इंसुलेशन है वो किस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फ्यूजेबल रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस रजिस्टर की खासियत ये होती है कि इसका जो रजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है, और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये जो रजिस्टर है ये उड़ जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है। यहाँ पे एक आप MOV देख सकते हो, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर। इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जब हाई वोल्टेज आता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज को उड़ा देता है, जिससे जो हमारा सर्किट है वो ओपन हो जाता है। और यहाँ पे AC इनपुट है। AC इनपुट इस रेक्टिफिकेशन चिप से रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होता है, और उसके बाद इस स्मूदिंग कैपेसिटर से स्मूद होता है। इस कैपेसिटर की रेटिंग है 450 वोल्ट और कैपेसिटी है 4.7 माइक्रोफेरेड। इसके बाद जो हमारा रेक्टिफिकेशन के बाद जो DC वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर से स्मूद होता है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफार्मर में फीड करते हैं और फिर इस चिप से हम उसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चिप से इसका जो नेगेटिव है वो इस चिप से होता हुआ इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में गया है, और यहाँ से पॉजिटिव सीधा इसकी इस लेग में गया है। इसके बाद जो हमारी चिप है इसे कंट्रोल करती है और जो ट्रांसफार्मर है उसे स्विचिंग का काम करती है। यहाँ पे आप एक और वाइंडिंग देख सकते हैं, उसके 2 पिन हैं, एक्चुअल में ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। इसका इस्तेमाल इस चिप को पावर देने के लिए किया जाता है, साथ में उस वाइंडिंग से आने वाले AC वोल्टेज को रेक्टिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टिफायर है। उसके बाद इस रेक्टिफिकेशन के बाद जो DC वोल्टेज होता है उसे स्मूथ करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटी लो होती है क्योंकि उसे सिर्फ उस चिप को ही चलाना होता है। तो इस कैपेसिटर की रेटिंग है 50 वोल्ट और 10 माइक्रोफेरेड। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ रजिस्टर देख सकते हैं जो एक्चुअल में करंट सेंसिंग रजिस्टर है। जैसे कि हमने देखा था कि जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर के ऊपर नहीं हो रहा था, तो इन्हीं रजिस्टर के रेजिस्टेंस से कैलकुलेट किया जाता है कि आउटपुट में जो करंट है वो कितना है। इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और इसका रेजिस्टेंस हमें पता होता है, तो ओम्स लॉ से हम करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। उसी लॉ का इस्तेमाल करके जो हमारी चिप है वो करंट की वैल्यू पता करती है और उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर को ड्राइव करती है। यहाँ पे आप कुछ और रजिस्टर देख सकते हैं। कुछ रजिस्टर का इस्तेमाल जो हमारे डायोड है उनके सेफ्टी के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हाई वोल्टेज पीक जो यहाँ पे इंडक्शन के बाद पैदा होते हैं उससे जो हमारा डायोड है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसे डंप करने के लिए कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्नबर नेटवर्क कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की 4 लैग है, जिसमें से 2 इनपुट है और 2 ऑक्सिलरी वाइंडिंग की लैग है। और यहाँ पे आप इससे का आउटपुट देख सकते हैं। जो हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड होता है उनके बीच का जो गैप है उसे ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे जो गैप है लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के बीच वो ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, लेकिन ये बिल्कुल सेफ है। आप देख सकते हैं कि जो गैप है वो अच्छा खासा है, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है। तो इस ट्रांसफार्मर की जो दो ये लैग है ये आउटपुट है। तो ट्रांसफार्मर हमेशा आउटपुट में AC करंट देता है। उसे रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा गया है, जो सेकेंडरी रेक्टिफिकेशन डायोड है।
उसके बाद जो हमारा वोल्टेज रहता है इस कंडेंसर में जाता है, जिसे एक कैपेसिटर भी कहते हैं, उसकी रेटिंग है 6.3 वोल्ट और कैपेसिटी है 470 माइक्रोफेरेड। रेक्टिफिकेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। इस रजिस्टर का इस्तेमाल इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो हमारा डीसी वोल्टेज है 5 वोल्ट, वो इस लैग से होता हुआ यूएसबी के फीमेल पोर्ट में चला जाता है, फिर हम उसे यूज़ करते हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे आप डेटा पिन को देख सकते हैं जो आपस में शॉर्ट सर्किट है। इस पर कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जो मोबाइल के साथ कम्युनिकेट करे, ना ही इसे ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चार्जर है जो सिर्फ 5 वोल्ट देता है और मैक्स 1 एम्पियर का करंट देता है। इस चार्जर का मुआयना करने के बाद हमने देखा कि ये चार्जर सेफ़ है और इससे 1 एम्पियर की करंट मिलती है, जैसा कि इसमें क्लेम किया गया है। तो ओवरऑल जो हमारा ERD का चार्जर है वो काफ़ी अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 एम्पियर की रिक्वायरमेंट में ही किया जाता है। उसके आगे अगर आपको आपका डिवाइस अगर 1 एम्पियर से ज़्यादा ले सकता है, तो उसके लिए आपको 3 एम्पियर और 5 वोल्ट का चार्जर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं हूँ जैनुलक, होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो इस वीडियो से। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।